परमात्मा श्री राम से केवट जी ने कहा, प्रभु अभी तो यात्रा प्रारंभ हुई है, फेरते बार मोहि जो देवा सो प्रसाद मैं सिर धरी। वापस आकर जो आप दे देंगे वह प्रसाद हम सिरोधार्य करेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, लेवा की कहानी बतेबा, देखिए पंक्ति, बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवट, विदा कीन करुणा भगति विमल। बहुत किया प्रभु ने, लक्ष्मण जी महाराज ने, मेरी माँ ने, तब भी केवट जी ने कुछ स्वीकार नहीं किया। भगवान ने विमल भक्ति भेद कर दिया केवट जी को। केवट जी चरणों में गिर पड़े, प्राणिवाद भाव करके आशीष पाए हैं। गंगा जी की मनौती मानी है मेरी माँ ने, हे माँ गंगे, पतिदेव जी देवर जी के साथ लौटकर अयोध्या आऊंगी तो इसी तट पर आपकी पूजा करूंगी। लंका कांड का यह प्रसंग है कि जब माँ आई हैं त्रिवेणी मैया का पूजन करके, तो प्रभु ने सिंगवेरपुर में पुष्प को उतारा है और यहाँ मेरी माँ जानकी जी ने गंगा जी का पावन पूजन किया है। लक्ष्य पूर्ति हो संकल्प साधने के बाद तो तत्काल ही ईश्वरदेव की सेवा करनी चाहिए, भांज कदापि नहीं देना चाहिए, सावधानी बरते। है नहीं साधु बनिया की तरह से बिटिया के जन्म में नहीं भया तो ब्याह में करेंगे, ब्याह में नहीं तो नाना बनेंगे तो करेंगे, कभी संकल्प को बढ़ाना नहीं चाहिए। संकल्प जैसे लक्ष्य प्रदान करे संकल्प की सिद्धि कर लेनी चाहिए। भगवान आगे बढ़े, निषाद जी साथ में लग लिए, चलते चलते प्रभु तीर्थराज अब प्रयाग में प्रवेश किए हैं और उसकी महिमा का एक बार भाव श्रद्धा से जय जयकार करिए, बोलिए प्रयागराज महाराज की जय। तीर्थराज प्रयाग में प्रवेश हुए और प्रयाग की महिमा गान करते हैं, को कहि सकै प्रयाग महा।
पृथ्वीराज प्रयाग में प्रवेश कर रहे हैं। धरती आकाश सात ऊपर सात नीचे, 3,50,00,000 साढ़े तीन करोड़ तीर्थों के राजा हैं तीर्थ राज प्रयाग। इनका वैशिष्ट क्या है? देखिए हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, अयोध्या जी हमारे यहाँ, मथुरा जी हमारे यहाँ, तीनों लोक से प्यारी नगरी काशी जी हमारे यहाँ, और तीर्थों के राजा प्रयागराज हमारे यहाँ। इनकी गोद में हमारा जन्म भया। भगवान जहाँ 13 वर्ष वास किए, पावन चित्रकूट धाम हमारे यहाँ, अति पवित्र पुनीत नैमिषारण्य तीर्थ हमारे यहाँ, ऐसा दिव्य कोई क्षेत्र नहीं है जैसा उत्तर प्रदेश में भगवान ने सौभाग्य वर्धन किया है। समतल भूमि, हम घरवा में रहते हैं कभी कभी तो उत्तर प्रदेश की प्रशंसा कर देते हैं और मध्य प्रदेश की निंदा कर देते हैं। हमारी बहुरानी मध्य प्रदेश की है, मध्य प्रदेश में कहाँ है, सब पहाड़े पहाड़ है, कहीं खाई कहीं पहाड़, कहीं खाई कहीं पहाड़। बड़ा आनंद होता है, अरे उत्तर प्रदेश में कहाँ है, कछु नहीं है। घर में विनोद भाव में रहा करिए। देखिए ये कितना दिव्य क्षेत्र है, धरती के जितने ऋषि मुनि, धरती नहीं सातों लोक नीचे सातों ऊपर के ऋषि मुनि तपस्वी महात्मा लोग सब माघ मास में एक बार तीर्थराज प्रयाग का दर्शन करने अवश्य आते हैं। हमारे एक अनुज हैं श्रीमान प्रेम प्रकाश जी दुबे, उन्होंने बड़ा सुंदर पद लिखा है, एक अंतरा में गाता हूँ, पूरा लिख के लाया हूँ, कल गाऊंगा। प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे। दुबे जी श्रीमद वाल्मीकि रामायण को गा करके रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, पूरा श्रीमद वाल्मीकि रामायण वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप बैठे बैठे श्रवण कर सकते हैं, अर्थपूर्वक रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो मुंबई में रहते हैं, प्रयाग उनकी जन्मस्थली है और बड़े लाडले हैं, बड़े सोने हैं, प्यारे हैं। तो प्रभु ने आकर मैया त्रिवेणी का पावन दर्शन किया, एक बार त्रिवेणी मैया की जय जयकार करी। बोली त्रिवेणी मैया की जय। भगवान ने मैया भैया के संग में ससंकल्प स्नान किया, भगवान शिव का पार्थिव स्वरूप बनाकर उनका पूजन किया। तत्पश्चात ऋषिवर भरद्वाज जी के पावन आश्रम पधारे, प्रभु ने
दंडवत किया। अर्घ पूर्वक ऋषिवर भरद्वाज जी ने भगवान माँ भगवती लक्ष्मण जी और निषाद राज का सम्मान किया है।